पब्लिक टीवी आपकी आवाज। श्री मां गंगा प्रदूषण मुक्ति समिति ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों और सदस्य गणों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें रामगंगा को प्रदूषण मुक्त करने का पीड़ा उठाने पर सभी संस्थाओं का आभार प्रकट किया गया। बैठक में कहा गया कि संत रामदास के द्वारा जिस रामगंगा को प्रदूषण मुक्त करने का बीड़ा उठाया था, उनकी आकस्मिक मृत्यु के कारण वो कार्य कुछ क्षण के लिए रुक गया था, लेकिन स्वर्गीय श्री संत रामदास जी के कार्य को श्री माँ गंगा प्रदूषण मुक्ति ट्रस्ट के सदस्यों ने प्रण किया है कि बाबा के छोड़े हुए अधूरे कार्य को वो पूरा करेंगे और उनके सपने को पूरा करने के लिए श्री माँ गंगा प्रदूषण मुक्ति समिति के पदाधिकारी और सदस्य गण तन मन धन से गंगा की सफाई और जिस प्रकार गंगा आरती का आयोजन बाबा के द्वारा किया जाता था उसको भी निरंतर करने का काम करेंगे। श्री माँ गंगा प्रदूषण मुक्ति समिति के द्वारा इन सभी धार्मिक संस्थाओं का भी आभार व्यक्त किया गया। आज हम लोगों ने गंगा प्रदूषण समिति की अध्यक्ष शानी भारद्वाज जी के निवास पर एक मीटिंग आहूत की गई है और हम लोगों को गंगा प्रदूषण समिति को आज बड़ी अपार खुशी हो रही है कि जो सपना स्वर्गीय बाबा संत रामदास जी के सपनों को हमने गंगा प्रदूषण के माध्यम से गंगा प्रदूषण को मुक्त करने का सपना देखा और उसको प्रदूषण को मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमें खुशी इस बात की है कि अन्य संगठन भी पिछले कुछ दिनों में लालबाग पर आरती, कटघर घाट पर आरती और रामगंगा सफाई अभियान अन्य संगठनों ने किया है। हमें बड़ी खुशी है कि हम अकेले नहीं हैं। अब हम शासन प्रशासन पे या गंगा पे या महानगर वासियों को अकेले समझाने में सक्षम थे, लेकिन अब हम मिलके समझाएंगे और मिलके गंगा को प्रदूषण से मुक्त कराएंगे। और हमें खुशी इस बात की है कि अन्य संगठनों ने भी हमारा साथ दिया और हमारे चाहे हम लोग अभी साथ नहीं चले लेकिन भविष्य में साथ चलने की हमारी कामना है कि उन लोगों के साथ चलें और बाबा के सपनों को पूरा करें। जी महोदय ने मुझे अभी ये अवगत कराया कि कुछ अन्य संगठन भी गंगा सफाई अभियान में आगे आए हैं और काली के मंदिर पर आरती का आयोजन किया गया। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। अब हमारे हाथ बढ़ने लगे हैं, सफाई करने के लिए हो या किसी अभियान के लिए हो, किसी खूबसूरत अभियान के लिए जो हमने कदम बढ़ाए थे वो हमारे नन्हे कदम अब बड़े होने लगे हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है और हमने इसी के विषय में वार्तालाप करने के लिए यहाँ बैठक रखी थी कि हम सब लोग मिलके काम करें और जो संगठन है वो भी हमारे साथ जुड़ें या हम उनके साथ जुड़ें और हम मिलके कार्य करें, तब ज्यादा सुचारू रूप से हम कार्य कर पाएंगे। हम लोगों में विचार हुआ कि जो नए संगठन इस कार्य में, हमारे पुनित कार्य में, जो हमारे संत राम स्वर्गीय बाबा ने आकस्मिक मृत्यु के कारण छोड़ दिया था, कुछ क्षण के लिए वो कार्य रुक गया था, परंतु जितने भी हमारे श्री माँ गंगा प्रदूषण मुक्ति समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यगण फिर एकत्रित हुए और सब ने प्रण किया कि हम बाबा के इस पुनित कार्य को, रामगंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए फिर एक होकर आगे बढ़ें और उस कार्य को ही आगे करने के को लेकर हम लोगों ने प्रत्येक माह अपनी पूर्णमासी को महाआरती का आयोजन प्रारंभ कर दिया है और इसी बसंत पंचमी पर एक हमने महायज्ञ के साथ साथ महाआरती का भी हमने आयोजन किया था। और मैं अपने शहर के जितने भी धार्मिक संगठन हैं उनसे भी विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारा साथ दें, सहयोग दें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।